नौकरियों की भरमार फिर कैसे हो गए इतने बेरोजगार? एनएसएसओ से जारी आंकड़ों पर नजर डाले तो साल 2017-18 में बेरोजगारी दर ने पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले सरकार ने एनएसएसओ से जारी आंकड़ों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार ने एनएसएसओ के सामने घुटने टेक दिए। ये तो रही आंकड़ों की बात, अब आइए सुन लेते हैं कि केंद्रीय श्रम मंत्री रोजगार के बारे में क्या कह रहे हैं। कि देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बहुत है। हमारे उत्तर भारत में जो लोग भी रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। तो अब मंत्री जी की इस बात पर लोग क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। सर, मंत्री जी ने जो कहा है आप उससे कितना सहमत है? मैं उससे पूरा सहमत भी नहीं हूँ और पूरा असहमत भी नहीं हूँ। क्या कह सकते, मतलब टैलेंट तो है ही है गाँव में, ये तो मतलब कैसे कह सकते हो आपकी टैलेंट नहीं है? मंत्री जी की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टैलेंट की बात देखी जाए तो आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है। बिल्कुल भी इसमें सहमति मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है यूथ में और बहुत ही ज़्यादा लोग क्षमता रखते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और इतने यूनिवर्सिटीज़ में सब इतने रैंकर हैं, ऐसे ही थोड़े हैं। 10% सहमत हूँ और 90% असहमत। शाम तक वो बदल देंगे स्टेटमेंट, कहेंगे ऐसा तो मैंने नहीं बोला, मैंने तो किसी अदर सेंस में बोला था। तो आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो कहाँ से यूथ के टैलेंट का बात आ रहा है? हम टैलेंटेड नहीं है तो फिर चांद पे ऐसे कैसे पहुँच सकते हैं हम? मैं बिल्कुल इसको डिनाई करना चाहूँगा कि वो बोल रहे हैं कि टैलेंट की कमी है। इससे मैं कुछ हद तक तो सहमत हूँ। अभी तक तो मेरे कोई वर्ल्ड ओवर कोई ऐसा जगह नहीं मिली जहाँ टैलेंट की कमी होगी। देश में रोजगार का हुआ बंटाधार है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि श्रम मंत्री हमारे संतोष गंगवार है। जो संतोष गंगवार जी ने बोला है ना, बिल्कुल गलत बोला है, हमारे अंदर टैलेंट है। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो जवाब दिया था, लेकिन वो जमीनी हकीकत नहीं जानते कि रियलिटी क्या है। जो पढ़े लिखे लोग जब अमेरिका में जाके उनकी रिसर्च कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे की क्या कमी है? जितने पढ़े लिखे यहाँ हैं इतने अमेरिका यूरोप कहीं भी नहीं है। पास्ट से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से IPS जितने भी UPS सबसे टफ एग्जाम निकलता है, तो बिहार से वहाँ से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। जी सर, लेबर मिनिस्टर ने कहा है कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। जॉब क्रिएशन के लिए सरकार ने दो योजनाएं भी शुरू की, स्किल इंडिया और मुद्रा लोन उसी के तहत है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट नजर आया। स्किल इंडिया और मुद्रा योजना और स्टार्टअप वगैरह तो अपनी तरफ से इन्होंने शुरू किए थे, फिर क्यों इतने अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज फंडिंग नहीं मिल पा रही ना। स्किल की कमी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी जरूर है। युवा हमारा जो है रिस्क लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है, उनको एक कन्वेंशनल माइंडसेट है कि नौकरियाँ ही करना है, किसी के नीचे काम ही करना है, तो वो माइंडसेट से थोड़ा बाहर आना चाहिए। प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि उनको आता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि उनको चांस ही नहीं दिया जाता। कितने परसेंट स्किल इंडिया में जो है डेवलप कर पाए हैं, कितने स्टैंड हो पाए हैं? कोई स्टैंड अप काम नहीं कर रहा, कोई स्टार्टअप काम नहीं कर रहा है। अगर आप स्कोप दोगे, लाइक अगर कहीं वॉइड है तब वो उसे भरा जा सकता है ना, अगर आप हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे तब हम उसे कर सकेंगे। स्किल की ज़रूरत है आज के यूथ में, आज के यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है, ये बात सच है। आपके हिसाब से और कितना समय लगेगा इस चीज़ के लिए? एक जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिख रखे हैं, MA पास हैं, फुल के फुल वहाँ का वहाँ पढ़ा, कोई किसी को नौकरी नहीं है। जॉब्स मिलना आज के डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जॉब बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू यूथ। एक पोस्ट निकलता है तो 100 लोग उसमें अप्लाई करते हैं। नौकरी तो है ही है लेकिन देना ही नहीं चाहते हैं। नौकरियाँ कहाँ छुपा के रखी है उन्होंने? छुपा गया मैम, पैसा ही नहीं है, नौकरी देंगे पैसा कहाँ से देंगे नौकरी वालों को? एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है सारा, ये फोटो लग रहे हैं, बस सिलेंडर मिल रहा है, फोटो लग रहे हैं। गोलगप्पे बेचो, पकोड़े बेचो, चाय बेचो, और अपना स्विगी में काम करो, और जो अमेजोन में काम करो, ये नौकरियाँ हैं, पर झाड़ू पोछा लगाओ। जॉब तो दे तो रहे नहीं और निकाल और जा रहे हैं। स्किल इंडिया में आए ट्रेंड्स के मुताबिक युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार पाए गए, तो वहीं मुद्रा योजना के तहत केवल 20% लोग ही अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर पाए। उन्होंने बोला कि हम मुद्रा योजना है, एक्चुअली वो मैनिफेस्टो इलेक्शंस में जो वो सिर्फ दिखता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना आपके टैलेंट का, आपको आपके पास कला है पर आपके पास एक माध्यम नहीं है उसको प्रेजेंट करने का। MBA का बच्चा है, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, स्कोर कर रहा है, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका टैलेंट भी हो सकता है, उसका लक भी हो सकता है, जो कंपनीज वहाँ पे हायरिंग करी उसके ऊपर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत, बेरोजगारी पूरे देश का एक अहम मुद्दा है। डिजिटाइज होने से क्या है कि एक बंदे को 25 काम दे दिए,
और जो 24 बाकी भर्ती किए हुए हैं वो क्या करेंगे? आप बताइएगा कौन सी कंपनी है आज के ट्रैक में जहाँ से लोग निकल नहीं रहे, उनको निकाले जा रहे हैं। बट टू टॉक ऑफ प्राइवेट कंपनी, इवन गवर्नमेंट में भी आप जितनी अंडरटेकिंग्स हमारी या ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उसमें से भी लोग निकाले जा रहे हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में 1,10,00,000 लोग बेरोजगार थे। अगर कंपनीज बंद हो रही हैं, अगर फ्रॉड्स हो रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? बच्चे हैं, बच्चे तो अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम तो बेकार है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कैसा बच्चा कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। वो मतलब जो चेकिंग वेकिंग होती है 10th में कोई भी पास हो जाता है, कोई ऐसा है नहीं कि बच्चा ढंग से पास हो पाए, तो लेवल गिरता जा रहा है बच्चों का खुद का ही। ये तो सब कागजों में बनी है ना, धरातल पे आप दिखाएंगे उस दिन मानूंगा आप। नहीं, हम तो आगे वाली जनरेशन को यही कहते कि इंडिया छोड़ के बाहर भाग जाओ, बाहर ही नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखा आपने, युवाओं ने तो मंत्री जी के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि देश में कोई बेरोजगार ना रहे और देश यूं ही तरक्की करता रहे।